एनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जंगल में युवती की गला रेतकर हत्या, 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन, उमरेड में सर्विस रोड की मांग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जंगल में युवती की गला रेतकर हत्या। देवरी तहसील के चिंचगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ढासगढ़ के जंगल परिसर में 23 जून की बुधवार की सुबह 20 वर्षीय एक अज्ञात युवती की लाश मिलने की खबर लगते ही सनसनी फैल गई है। मोहाड़ी और आसपास के गांव की भीड़ जुट गई। पुलिस पाटिल की ओर से मिली जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को देखने पर पता चला कि किसी धारदार शस्त्र से हत्या गला रेत कर की गई है और लाश को सड़क से 25 फीट अंदर जंगल में फेंक दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक जिस स्थान पर लाश मिली है उस रास्ते में कोई आता जाता नहीं है। घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पुलिस को मौके वारदात से जुड़ी जूता और चप्पल कुछ अन्य सामान मिले। पुलिस ने सामानों को कब्जे में ले लिया। युवती को कब्जे में लेकर पहचान का प्रयास किया गया लेकिन समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए चिंचगढ़ अस्पताल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने योजना पहले से ही तैयार कर ली होगी, वारदात को अंजाम देने हेतु इस सुनसान इलाके को चुना होगा। तो वहीं दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीब लाभार्थियों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के लिए मद्देनजर इस साल जून तक 2 महीने के लिए PMJKAY को फिर शुरू किया गया था। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र के मुफ्त भोजन कार्यक्रम PMJKAY को दिवाली तक 5 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो वहीं तीसरी ओर उमरेड में सर्विस रोड की मांग। नागपुर उमरेड 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। यह सड़क शहर के करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। इसे बाईपास रोड कहा जाता है। इसके साथ दोनों किनारों पर नालियां बनाने के बाद परिसर को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। पिछले दिनों हुई बारिश ने परिसर में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इसके चलते सर्विस रोड बनाकर राहत दिलाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मेश्राम तथा आदि लोगों ने किया। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि परिसर के लेआउट में सर्विस रोड के लिए जगह छोड़ी गई है लेकिन कई लोगों ने इसे अतिक्रमण कर लिया है। उन्हें बचाने के लिए सर्विस रोड नहीं बनाया जा रहा है। सर्विस रोड के अभाव में हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।